हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में। इसके बाद हम पॉलिटिकल सिस्टम का एजुकेशन के ऊपर किस तरह का इन्फ्लुएंस रहता है इसके बारे में देखेंगे। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में हम तीन तरह के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज देखते हैं, फैसिज्म, कम्युनिज्म एंड डेमोक्रेसी। फैसिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी। तो अगर फैसिज्म की बात किया जाए, इससे पहले हम देखते हैं कि कार्ल जास्पर ने क्या कहा था। कार्ल जास्पर एक सोशियोलॉजिस्ट है, वो बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है, हर एक इंडिविजुअल किसी भी पॉलिटिकल फाउंडेशन के बिना कोई काम नहीं करता। ये बोलते हैं कार्ल जास्पर। कौन? कार्ल जास्पर। तो फैसिज्म की अगर बात किया जाए तो फैसिज्म में इंडिविजुअलिज्म कुछ नहीं होता। इंडिविजुअल में जो इनर कैपेबिलिटी है, इनर पोटेंशियलिटीज है, इसका कोई मायने नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। फैसिज्म में स्टेट का सुप्रीमेसी सबसे ज्यादा होता है, स्टेट सुप्रीम होता है। स्टेट के जो आइडियोलॉजीज हैं, स्टेट में जो फैसिस्ट रूलर्स हैं, उनके जो आइडियल्स हैं, वही हमारे लिए सब कुछ होता है। हम अगर एक फैसिस्ट स्टेट में रह रहे हैं जहां पर फैसिस्ट रूलर्स हैं, तो हमें उस स्टेट में फैसिस्ट आइडियल्स को, फैसिस्ट आइडियोलॉजीज को ही पूरा करना पड़ेगा। हम अपनी चॉइस से कुछ भी नहीं कर सकते, वहां पर कोई भी चॉइस हमें नहीं दिया जाता। फैसिस्ट आइडियोलॉजीज में जो कुछ भी है, इंडिविजुअलिज्म बिल्कुल नहीं है। इंडिविजुअलिज्म को इन्होंने डिस्कार्ड किया हुआ है। इंडिविजुअलिज्म यानी कि एक इंडिविजुअल में जो भी है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। सुप्रीम होता है स्टेट, स्टेट्स ही बिल्कुल सुप्रीम होता है, और जो फैसिस्ट रूलर्स के आइडियल्स हैं उन्हीं को हमें फुलफिल करने होते हैं। अब अगर पर्पस ऑफ एजुकेशन की बात किया जाए, एजुकेशन के पर्पस क्या है फैसिस्ट रूलर्स के हिसाब से, फैसिज्म आइडियोलॉजी के हिसाब से, तो पर्पस ऑफ एजुकेशन है हर एक इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस के बारे में सिखाना, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के बारे में उन्हें ट्रेन करना। स्टेट के बारे में किस तरह से, स्टेट में हम किस तरह से सेक्रीफाइस करें, इंडिविजुअल को ट्रेन ऐसे करेंगे कि वो हमारे स्टेट के लिए कुछ भी कर सके, वो ट्रेनिंग दिया जाता है एजुकेशन के जरिए। किसमें? फैसिस्ट आइडियोलॉजी में। फैसिस्ट रूलर्स यही करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को वो ट्रेन कराते हैं जैसे कि वो स्टेट के लिए कुछ कर सके, स्टेट के लिए हर एक सेक्रीफाइस करने के लिए वो तैयार हो सके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेन किया जाता है। ये हर किसी आइडियोलॉजी में किया जाता है, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में भी किया जाता है, पर फैसिस्ट आइडियोलॉजी में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेन किया जाता है, पर इंडिविजुअलिज्म को इसमें डिस्कार्ड किया जाता है, जो कि डेमोक्रेटिक में नहीं किया जाता। और अगर देखा जाए यहाँ तो एजुकेशन एक बर्थ राइट है, पर फैसिस्ट आइडियोलॉजी में नहीं है, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में है, पर फैसिस्ट आइडियोलॉजी में एजुकेशन एक बर्थ राइट नहीं है, एजुकेशन एक बर्थ राइट नहीं है। अगर फंक्शंस ऑफ स्कूल, स्कूल के फंक्शंस के बारे में अगर बात करें तो ये बोलते हैं, फैसिस्ट रूलर्स बोलते हैं कि स्कूल का तीन फंक्शन होना चाहिए। पहला तो है कैरेक्टर ट्रेनिंग देना, कैरेक्टर ट्रेनिंग देना। दूसरा है एजुकेट द इंटेलेक्ट, यानी कि इंटेलेक्चुअल को डेवलप करना, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, इंटेलेक्चुअल को हमें डेवलप करना चाहिए, इसके बारे में वो ट्रेनिंग देते हैं। और क्या? बॉडीली डेवलपमेंट यानी कि हम बॉडीली कैसे फिट रहे। बॉडीली अगर फिट नहीं रहेंगे तो हमारे आर्मी कैसे चलेगी, है ना, डिफेंस कैसे चलेगा, हमारी स्टेट सिक्योर कैसे रहेगी। तो ये सारी जो है फैसिज्म आइडियोलॉजीज के बारे में है। जो फैसिज्म है बिल्कुल सुपेरियर होता है, स्टेट ही सुपेरियर होता है, इंडिविजुअलिज्म कुछ भी नहीं होता, फैसिस्ट रूलर्स के आइडियल्स को ही हमें मानने होते हैं। पर्पसेस के बारे में अगर देखा जाए तो सेक्रीफाइसेस करने के लिए सिखाया जाता है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और एजुकेशन यहाँ पर एक बर्थ राइट नहीं होता। फंक्शंस ऑफ स्कूल की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर ट्रेनिंग, बॉडीली डेवलपमेंट और इंटेलेक्ट को डेवलप करना, एजुकेट करना, यही होता है फैसिज्म में स्कूल के फंक्शंस। तो ये कुछ छोटे से डिस्क्रिप्शन था फैसिज्म का। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग।